एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाय पिंटू कुशवाहा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मेल मर्ज का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे करते हैं वह सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेंगे। अभी यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं। अब हम इस टेक्स्ट को सेव कर देंगे मेल मर्ज का यूज़ करने के लिए। डेस्कटॉप में हम इसको सेव कर देते हैं। अब उसके बाद हमको मेल मर्ज का यूज़ करने के लिए देख सकते हैं टूल्स मेन्यू में मेलिंग्स में जाएंगे। मेलिंग्स में जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे किस चीज़ में है। ठीक है, लेटर फॉर्म में है हमारा। सेलेक्ट रिसिपियंट्स में जाएंगे, उसके बाद टाइप न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि एक लेटर टाइप करते हैं तो उसमें नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर स्टार्टिंग में जैसा देते हैं सेम उसी का जैसा ही रहेगा। इसमें आपको एक ही लेटर को, जैसे कि 100 या 200 जैसे ज़्यादा लोगों को भेजना रहता है, उसके लिए मेल मर्ज का यूज़ करते हैं, ताकि हमको बार बार एक ही डेटा टाइप ना करना पड़े। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कस्टमाइज कॉलम्स में जाने के बाद हम इसको एडिट कर सकते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें डालना है। तो अभी एग्जांपल के लिए हम कुछ 3-4 लेंगे, बाकी सभी को अभी हम डिलीट कर दे रहे हैं। एड्रेस लाइनिंग जैसे 2 है हमारे पास, अभी एड्रेस नहीं चाहिए। कंपनी नेम नहीं। और आपको अगर कुछ नया चीज़ चाहिए तो आप सिंपली ऐड पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम डेटा आ गया। अभी हम जैसे फर्स्ट नेम ले लेते हैं, लिखने के बाद टैब जैसे ही प्रेस करेंगे आप नेक्स्ट कॉलम में आसानी से पहुँच जाएंगे। उसके बाद टैब सिटी ले लेते हैं। उसके बाद फिर से टैब प्रेस करेंगे, स्टेट टैब प्रेस करेंगे तो न्यू कॉलम ओपन हो जाएगा। टैब प्रेस करेंगे तो वापस से न्यू कॉलम ओपन। अब जैसे ही हमारा यहाँ डेटा टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगा, हमको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। तो हमें ये एक्सेस फाइल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इसको सेव करना रहेगा। तो हम देखेंगे जहाँ पे हमने अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव किया था वहीं पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखेंगे कि हमको यहाँ पे ये जो हिडन ऑप्शन से वह ओपन हो गए हैं। अभी हम लोग जाएंगे फिनिश एंड मर्ज, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल मैसेज है। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या क्या ऑप्शन हमने जो डाले हैं उसको यहाँ पे फील्ड करना है। तो उसके लिए राइट एंड इंसर्ट फील्ड पर क्लिक करेंगे। तो देखेंगे हमें पहले फर्स्ट नेम लेना है, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद लास्ट नेम लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सिटी लेके एंटर प्रेस करेंगे और स्टेट ले लेंगे। अब ये चीज़ें लेने के बाद हम इसको भी एक बार सेव कर देंगे। ठीक है, सेव हो गया। सेव होने के बाद फिनिश एंड मर्ज में जाएंगे और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अभी हमने जो डेटा यहाँ पे दिया है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट, उसको हमको सभी जो जो हमने यहाँ डेटा एंट्री किया था नाम डाल करके बताया था, तो हमको और सभी पे चाहिए या करंट में चाहिए। तो अभी हमें ऑल पे चाहिए और सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे
तो जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे, हमने जो पहला डेटा टाइप किया था पी कुमार जमशेदपुर जे एच वह आ गया। अब नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो नेक्स्ट में हमारा लेटर ओपन हो गया है के कुमार जो दिया था। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे तो सेम वैसा ही हो गया। हमें लेटर में ये चीज़ें को बार बार टाइप करना पड़ता है, तो इसमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मेल मर्ज का यूज़ करने इसका यही फ़ायदा है। इस वीडियो में हमने जाना कि मेल मर्ज का यूज़ कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकें सबसे पहले। अगर आप हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर एप्लीकेशंस बाय पिंटू कुशवाहा पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हमारा वीडियो देख सकें सबसे पहले।